आपने बुलाया मॉम? हाँ, तुमसे कुछ पूछना है और मैं चाहती हूँ कि तुम झूठ मत बोलो। पूछे? क्या तुम स्मोकिंग करती हो? आप मेरे कमरे में गई थी? हाँ, सफाई करने के लिए। मेरी इजाजत के बगैर मेरे रूम के कीज का सुनी? देखो भी नहीं, ये मेरा घर है, इसमें कौन सा कमरा लॉक्ड होगा और कौन सा खुला और कौन से कमरे के ताले को किस तरह से और कब खोलना है, ये मेरा मसला है। तुम इस वक्त बस मेरे सवाल का जवाब दो। मैं स्मोकिंग नहीं करती। तुम्हारे कमरे से निकाले। बबली क्या है ये? मैंने बोला भी था उसे कि क्या बुरी आदत पाली हुई है, रोका था मैंने उसे। तुमने उस लड़की से दोस्ती क्यों की है? मुझे थोड़ी पता था कि वो स्मोकिंग करती है। अब तो जान गई हो ना, तो फिर छोड़ा क्यों नहीं? ये उसका पर्सनल मैटर है मॉम, सिगरेट पिए ना पिए मुझे उससे थोड़ी कोई फर्क पड़ेगा उसकी दोस्ती से। लेकिन मुझे फर्क पड़ता है और मुझे बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी है। मैं चाहती हूँ कि आज के बाद तुम उस लड़की से कभी बात ना करो, ना ही उससे मिलो, और मेरे घर वो कभी नहीं आएगी। ये तो नहीं हो सकता। तुम मेरी बात नहीं मानोगी? नहीं, क्योंकि आप मेरे साथ ज्यादती कर रहे हैं। ज्यादती नहीं कर रही, तुम्हारी भलाई कर रही हूँ। बद से बुरा बदनाम होता है। आज वो लड़की यहाँ पे स्मोक करी है, कल तुम्हें आदत पड़ जाएगी तो हमारा क्या होगा? हम तो बर्बाद हो जाएंगे ना। मॉम, मैं बच्ची नहीं हूँ, बड़ी हो गई हूँ, अपना अच्छा बुरा जानती हूँ। और बबली, बबली ऐसे वैसे खानदान की नहीं है। उसके फादर अमीर तरीन पर्सनैलिटी है और उसकी मॉम मशहूर सोशल वर्कर, जमाना जानता है उन्हें, इज्जत करता है उनकी। तो मैं क्या करूं? उन्होंने अपनी बेटी की परवरिश जिस तरह से करनी है वो जाने, लेकिन मैं अपनी बेटी की परवरिश इस तरह से नहीं करूंगी और उसके साथ दोस्ती की इजाजत मैं तुम्हें नहीं देती। तो आप मुझ पे मिडिल क्लास लड़की वाली पाबंदियां लगाएंगी? कोशिश करो भी नहीं कि तुम उस नौबत तक ना पहुंचाओ मुझे, वरना तुम्हें अंदाजा नहीं कि मैं किस हद तक जा सकती हूँ।